जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले ने भारत के शौर्य का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया था। आज भी पुलवामा हमले की उस जगह पर 24 घंटे सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा रहता है। जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में हर जवान पूरी तरह से तैयार रहता है, क्योंकि यहाँ हर दिन दहशतगर्द हमले की साजिश होती है। यहाँ कुछ देर के लिए रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। हमले के एक साल के बाद जम्मू कश्मीर के हाईवे पर मौजूद धमाके के निशान हल्के पड़ गए हैं, लेकिन इस हमले की पूरी साजिश को समझने के लिए जी मीडिया की टीम एक साल के बाद उसी दहशतगर्दाना हमले के ग्राउंड जीरो पर पहुंची और मुल्क के शहीदों के लिए इस खतरनाक इलाके से एक हसास रिपोर्टिंग की। ये कायराना हमला हमारी उन फोर्सेस के जवानों के ऊपर किया जो कि छुट्टी काट कर अपने घरों से वापस आ रहे होते हैं और निहत्थे होते हैं। यहाँ पे जो है कुछ मकान जो आप देख रहे हैं सामने, हाँ जी, ये अभी कुछ रिपेयर हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके शीशे, ये टिन शीट्स वगैरह जो है पूरी तरह से खराब हो गए थे। जम्मू के इस रास्ते से जो है, हाँ, ये कॉन्वॉय के साथ पीछे से आता साथ में आया। उन दिनों में लगातार थ्रेट्स आ रहे थे कि जमीन के अंदर आईडी का इस तरह से हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी भी हुई थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। एक साल पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर की तरफ सीआरपीएफ के जवानों का एक काफिला आ रहा था और ये सभी जवान छुट्टियों से वापस आ रहे थे। बर्फबारी की वजह से पिछले 3-4 दिनों से ये रास्ता बंद था और इन जवानों को नॉर्मल बसों में लाया जा रहा था, जिसके सिक्योरिटी में हथियारबंद जवान तैनात थे। लेकिन छुट्टियों से वापस आ रहे जवान निहत्थे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था। धमाके के वक्त वहां पर सीआरपीएफ की 110वीं बटालियन के जवान तैनात थे, जो आज भी वहां पर सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं। यहां से कॉन्वॉय जा रही थी, सीआरपीएफ की कॉन्वॉय, कुछ गाड़ियां आगे निकल गई थी। ये श्रीनगर की तरफ, ये श्रीनगर की तरफ जाती हैं और ये यहां से जम्मू, जम्मू है ये स्पॉट है। दिस इज लेथपुरा विलेज है, हाँ जी हाँ जी, और यहाँ पे जो है इंसिडेंट हुआ था। उस दौरान जो है हमारी कॉन्वॉय इस लेन से जा रही थी और इस लेन में हम लोग सिविलियन गाड़ियों को चलने देते थे। अच्छा, पहले अलाउड था साथ में चलना अलाउड था। इस हादसे के बाद में, इस हमले के बाद में फिर ये सब बंद हो गया। उन दिनों कश्मीर घाटी का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि 9 फरवरी को पार्लियामेंट हमले के कसूरवार दहशतगर्द अफजल गुरु और 11 फरवरी को दहशतगर्द मकबूल भट्ट की बरसी थी। इम्कान थे बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हमला कर सकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तरफ से इसकी पूरी तैयारी की थी। लेकिन इस बार दहशतगर्दों ने नए तरीके से हमले की साजिश को रचा। वहीकल बॉर्न आईडी इस तरह का कोई इनपुट नहीं था, लेकिन आईडी लग सकती है, क्योंकि आरओपी ड्यूटी के दौरान एक जो बड़ा थ्रेट होता है वो होता है जमीन में आईडी लगा के और कॉन्वॉय को नुकसान पहुंचाना। तो उसके लिए हम तैयार थे, हमने सुबह अपनी आरओपी क्लियरिंग ड्रिल को अंजाम दिया और बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। उस दिन जमीन के नीचे कोई आईडी नहीं फटने पाई। तब सीआरपीएफ के काफिले में लगे सिक्योरिटी एहलकारों को ये नहीं मालूम था कि उन पर एक आत्मघाती हमला होने वाला है। हमले से करीब 25 मिनट पहले दहशतगर्दों की एक कार उनके काफिले को निशाना बनाने के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आगे बढ़ी। वो गाड़ी यहां से घुसी थी और यूं श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आई थी। देखिए, हुआ ये था, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते के जरिए, ये जिस तरह मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हूं, जो मारुति गाड़ी थी, वो मारुति इको गाड़ी जो थी, ये देखिए, ये जम्मू श्रीनगर हाईवे में इस तरह से वो गाड़ी घुसी थी। दोपहर के 3:05 हो रहे थे और 14 फरवरी 2019 वो तारीख थी।